हेलो फ्रेंड्स, प्रेमलताज किचन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको किचन में काम आने वाली उपयोगी वस्तुएं कैसे स्टोर करें या फ्रेश रखें उसकी ट्रिक शेयर कर रही हूँ। भिंडी को अधिक दिन तक फ्रेश कैसे रखें? जब भी हम भिंडी मार्केट से लाते हैं, एक दो दिन में ही भिंडी हमारी बेकार हो जाती है। इसके लिए सबसे पहले हम भिंडी के दोनों तरफ के एंड्स काट लेंगे। अब हम ढक्कन से कवर करके भिंडी को फ्रीज में रख देंगे। भिंडी हमारी खराब नहीं होगी। मीठी नीम को कैसे स्टोर करें? अक्सर हम मीठी नीम लाते हैं तो बाहर रखने पर शाम तक उसकी खुशबू पूरी गायब हो जाती है। इसके लिए आप मीठी नीम के पत्ते को धोकर पंखे में सुखा लेंगे। आधे घंटे के बाद टहनी में से पत्तियाँ निकाल कर एयरटाइट डिब्बे में इस तरह से रखेंगे। 15 दिन तक मीठी नीम की खुशबू और पत्तियाँ ताजी ही रहेगी। अब इसे हम फ्रिज में स्टोर कर लेंगे। फ्रेंड्स, जब भी हम सेव काटते हैं तो क्या होता है, थोड़ी देर में सेव काला पड़ जाता है और ऑक्सीडाइट हो जाता है। उसके लिए हमें नींबू से कटे हुए सेव पर इस तरह से रब कर देना चाहिए। सेव हमारा काफ़ी देर तक काला नहीं पड़ेगा और इसे अब हम एक एयरटाइट डिब्बे में रख देंगे। लहसुन को आसानी से कैसे छीले? इसके लिए आप एक बंद डिब्बा या इस तरह का शेकर लें और उसमें लहसुन को डालें। फिर एक मिनट तक लहसुन को शेक करें। इससे हमारा लहसुन भी आसानी से छिल जाएगा एवं हाथ की एक्सरसाइज भी हो जाएगी। एक मिनट के बाद हम देखेंगे लहसुन हमारा कितना अच्छा छिल गया है। अब इसमें से हम कलियां अलग निकाल लेंगे। अब लहसुन को एयरटाइट डिब्बे में बंद करके 7 दिन तक के लिए फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। लहसुन ऐसा का ऐसा रहेगा। जब भी हम मार्केट से कॉफ़ी लाते हैं तो खुलने के बाद कुछ ही दिनों में अक्सर कॉफ़ी हमारी जम जाती है। तो फ्रेंड, जब भी आप कॉफ़ी उपयोग करें उसके बाद आप एक प्लास्टिक शीट लगाकर ढक्कन को एयरटाइट बंद करें। कॉफ़ी कभी ख़राब नहीं होगी। यह ट्रिक आप हॉर्लिक्स और बॉर्नविटा में भी अपना सकती हैं।